बात करेंगे दो बड़े आईपीओस की, एक को शानदार रिस्पांस मिला है और दूसरे को बिल्कुल ही ठंडा रिस्पांस मिला है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नायका की। नायका की दमदार लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं और पेटीएम के आईपीओ का हाल बताने के लिए मेरे साथ देवांशी अशर जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले चलते हैं हम वरुण के पास। वरुण, जरा बताइए, धमाकेदार लिस्टिंग, दमदार लिस्टिंग आज नायका की हमने होती देखी है, कितना पैसा कमा कर दिया है इसने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, इसके निवेशकों को? देखिए, बम्पर लिस्टिंग आज नायका की देखने मिली है। खुला ही ये 80% प्रीमियम पे और एक दिन में ही निवेशकों के पैसे जो है वो दुगने हो गए। यानी कि अगर आपने आईपीओ में एक लॉट भी खरीदा था 14,625 रुपये का, तो आज के आज ये करीब 29,000 रुपीज़ के आसपास आपके पास हो चुके थे। इस तरह की लिस्टिंग इस कंपनी में देखने मिली है और उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिनकी लिस्टिंग के दिन ही मार्केट कैप जो है वो 1,00,000 करोड़ के पार जा चुका है। ये कंपनी जो है अब मार्केट कैप के हिसाब से देश की लिस्टेड कंपनीज में से 55 दिग्गज लिस्टेड कंपनीज में से शामिल हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, इस कंपनी के आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी बेहतर मिला था, सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छे थे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो आय में 120% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियाँ हैं जो प्रॉफिटेबल है, उसमें से नायका एक है। इसके अलावा इस कंपनी की जो फाउंडर है फाल्गुनी नायर, उनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो भारत में सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनर में ये महिला जो है वो शामिल हो चुकी है, ये फाउंडर जो है वो शामिल हो चुकी है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कुल संपत्ति है वो करीब 48,000 करोड़ के पार जा चुकी है। तो एक बड़ी लिस्टिंग आज देखने मिली, एक इतिहास बनते हुए दिखाई दिया। एक कंपनी जो कि पहले ही दिन 1,00,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप जिसने हासिल किया है, ये एक इतिहास। और साथ ही साथ एक महिला एंटरप्रेन्योर जो भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनर बनी है, इन्होंने भी आज एक इतिहास रचा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वरुण, इन्होंने इतिहास तो रचा ही है। $6.5 बिलियन वर्थ की वैल्यू अब इनके पास है और मार्केट कैप भी जो कंपनी का 1,00,000 करोड़ के पार निकलते दिखा। और आपको बता दें कि नायका की इस बम्पर लिस्टिंग के बाद जो हमने जबरदस्त इसकी लिस्टिंग होते हुए देखी और दुगना पैसा कमाकर जो दिया है, उसके बाद जी बिजनेस के संवाददाता अनुराग शाह ने बात की कंपनी के MD फाल्गुनी नायर से। आपको भी इस इंटरव्यू का अंश सुनाते हैं। मैम, 1,00,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप, उम्मीद से ज्यादा किस तरह की? आई थिंक जब आईपीओ हुआ था और हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिले थे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, तभी जब इतना हाई क्वालिटी इंटरेस्ट था जो इन्वेस्टर्स से, तब लग रहा था कि लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम शुड कंटिन्यू। और हमारे लिए तो खुशी की बात है, बिकॉज हमने तो हार्ड वर्क करके कंपनी बना ही रहे हैं और आगे जाके भी कंपनी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बट टुडेज लिस्टिंग इज अ वैलिडेशन के इन्वेस्टर्स को भी कंपनी की स्ट्रेटजी और बिजनेस मॉडल पसंद है। तो आगे के चल के किस तरह का प्लान रहेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस रहेगा या कस्टमर एक्विजिशन पे ज्यादा आप ध्यान देंगे, किस तरह का आगे की जर्नी? तो ई कॉमर्स तो अभी अर्ली डेज में है। आज देखो तो ब्यूटी ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन सिर्फ 8% है और फैशन में भी सिर्फ 12% है। तो बहुत आगे जाके ई कॉमर्स में कस्टमर आते रहेंगे, तो हमारे जैसी कंपनियों को कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करना ज़रूरी है। तो हम काफ़ी फोकस करते हैं ऑन व्हाट वी कॉल ए CRM, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ हम कैसे रिलेशनशिप बना के रखें। मैम, 80 फिजिकल स्टोर है अभी आपके, तो अब उसको और कितना आगे बढ़ाएंगे, उसकी क्या टाइमलाइन रहेगी और उसके लिए कितना जो कैश है आप अभी से ही अलग रख देंगे? हमारा स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर कोविड की वजह से कुछ पीछे रह गए थे, बाय नाउ वी शुड हैव बीन एट अबाउट 120 स्टोर्स, उसके बदले हम अबाउट 80-85 स्टोर्स पे हैं। तो ये मोमेंटम विल कंटिन्यू और हमारी इच्छा है कि हम थ्रू आउट एटलीस्ट टॉप 100 सिटीज़ में रहें, इंडिया के टॉप 100 सिटीज़ में हमारे स्टोर्स रहें। आज 40 सिटीज़ में हैं हम, तो आगे बढ़ते जाएंगे।